हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज हमारी डेस्टिनेशन नर्सरी बर्गर है। यहाँ पे बहुत ही मशहूर बर्गर है, यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे बर्गर है। यहाँ पे बीफ बर्गर है, चिकन बर्गर है, दाल का बर्गर है, आलू का बर्गर है, बहुत सारी वैरायटी है यहाँ पे। तो आपको दिखाते हैं यहाँ पे मुनफरिद जायका। तो ब्लॉग का आगाज करते हैं मेरे साथ। देखिए भाई, यहाँ पे बन कट रहे और यहाँ पे जबरदस्त कबाब लग रहे हैं। यहाँ माशाल्लाह उस्ताद भी बैठे हैं, तीन चार किस्म के कबाब लग रहे हैं, आलू दाल के हर तरह के कबाब। देखिए भाई, यहाँ पार्सल का ही बड़ा जबरदस्त सेटअप लगा हुआ है, चारों तरफ पार्सल ही पार्सल हो रहा है। इनका यहाँ पे मुसलसल पार्सल का भी सेटअप है, लोग बैठ के भी खाते हैं। यहाँ पे फास्ट फूड भी है, जबरदस्त किस्म का सेटअप लगा हुआ है सारा। ये भाई जबरदस्त है, फुल स्पीड में चल रहा भाई बर्गर है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी हम बर्गर आ चुके हैं हमारे पास। ये आप देखिए, हम ट्राई करते हैं इसको। यहाँ का जबरदस्त सी पैटी है भाई इसकी, और इनकी चटनी बड़ी मुनफरिद है, टेस्ट भाई बहुत जबरदस्त है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर, माशाल्लाह से हम नर्सरी बर्गर आए, तो यहाँ की हमने बड़ी तारीफें सुनी है कि यहाँ आप चार पांच किस्म के बर्गर मिल रहे हैं और लोग इंतहा पसंद कर रहे हैं, तो क्या राज है इसमें? सर जी, ये माशाल्लाह से 73 की शॉप है ये। अच्छा। और शुरू एक ढाबे से किया था, उसके अलावा माशाल्लाह ने हाथ पकड़ा, अल्लाह ने इस शॉप पे आ गए। और दूसरा ये है जो माशाल्लाह से वही टेस्ट, वही चीज, वही मियार है, बरकरार है सर, वही हिसाब से चलता आ रहा है। लेबर भी पुरानी चलती आ रही है, समझ ले उसी हिसाब से पुराने लोग चलता आ रहा है। तो अभी टाइमिंग क्या है आप लोग? टाइमिंग सर सुबह 11 से लेके रात 12:30 हो जाते हैं। अच्छा, और रमजान की टाइमिंग क्या होगी? रमजान की टाइमिंग सर असर की नमाज 5 बजे तक, 5 से रात 12 बजे तक। और आप देखें यहाँ पे अंडे भी आपके आ गए, तो ये आपके बिल्कुल फ्रेश अंडे ताजे। अच्छा, अंडे वाला भी आ गया, अंडे वाला भी आ गया। तो ये जरा हमारे फैंस को दिखाते भी रहे, हम बातें भी करते रहते हैं आपको। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पे किस किस किस्म के बर्गर हैं, उनकी क्या प्राइस है? ये बर्गर है शामी दाल अंडे का, बीफ चपली है, चिकन चपली है, आलू है सर, ये जो हमारे फेमस है ना, फेमस 3-4 बर्गर जी, बीफ चपली है और दाल अंडे वाला, ये जो फेमस है हमारे, ज्यादा रेनेंगे नहीं। यानी कि हम जो है बीफ चपली और अंडे वाला दोनों ट्राई करेंगे। दूसरा ये होता है सर जी, जी जो इधर आते हैं फरमाइश से बनवाते हैं, मिक्स बनवाते हैं, अंडा लगवाते हैं, डबल पेटी होता है, 3 कबाब भी लगाने हैं। अच्छा। इस तरीके से हाँ, तो ये 3 कबाब आए थे माशाल्लाह से। एक और इधर हमारा एक सेठ आबे सेठ के नाम से बर्गर है। अच्छा। उसमें डबल कबाब होता है, डबल अंडा होता है, मिक्स होता है, इस तरीके से वो। यानी आपने अपनी मुख्तलिफ वैरायटी निकाली, बिल्कुल। इन 4 बर्गरों के वेरिएशन भी है, लोग 2 पैटी, 3 पैटी, 4 पैटी तक लोग बनाते हैं भाई। इसके अलावा बर्गर भी तय लगती रहती है फास्ट फूड में भी। अच्छा, फास्ट फूड भी है? जिंगर बर्गर है, बी बर्गर है, चिकन रोल है, मायो गार्लिक रोल है, चीज रोल है, सुबह से शाम तक चलता है। जी सर, तो ये फास्ट फूड में सबसे बेहतरीन चीज क्या है सर? जिंगर है और रोल है, ये बेस्ट रोल है। चले आपकी 2-3 चीजें ट्राई करते हैं और अपने फैंस को बताते हैं कि भाई रमजान के अंदर आके बिल्कुल
आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। कराची के मिड के अंदर जगह है, मेन नर्सरी बड़ी मशहूर जगह है, यहाँ पे आके आपको सलाम जायकों से मजा ले, अभी ट्राई करते हैं। ओके सर, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए मैं अभी ऊपर था, इनकी बैठने का निजाम भी दिखाते हैं। सर आप अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? शाहजेब। माशाल्लाह आपका। मेरा नाम ये शाहजेब। शाहजेब से सवाल अगर करेंगे, ये बताएं क्या नाम है आपका पूरा और कहाँ काम करते हैं और कौन से इलाके से हैं? शाहजेब से लावा है, काम मैं यहाँ शारे पर करीब में करता हूँ और गुलशन इकबाल से। अच्छा, गुलशन इकबाल से आप यहाँ पे आए हैं बर्गर खाने के लिए? मैं अभी फिलहाल ऑफिस से आया। अच्छा, ऑफिस से आए। तो कैसा टेस्ट होता है यहाँ? टेस्ट बहुत अच्छा होता है, बहुत डिफरेंट होता है। मतलब बर्गर तो सभी बना रहे हैं लेकिन थोड़ी सी डिफरेंशिएशन ये है कि चटनी बहुत अच्छी होती है। और मैंने ये देखा है तकरीबन 60 साल हुआ है शॉप को, वही मुनफरिद जायका है, वही मुनफरिद चीजें हैं, मेयारी चीजें हैं, सफाई का निजाम। तो आपने कैसा पाया? सर निजाम है, 60 साल पुराना है तो जाहिर है बासी बर्गर तो खिला रहे। इनके बिल्कुल रिकमेंड, हमारे फैंस को क्या कहेंगे आप? बिल्कुल रिकमेंडेड है, बहुत अच्छा बर्गर है, मस्त है, आप जरूर खाइए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर, क्या नाम है आपका? वकास। वकास भाई, माशाल्लाह से आप आज नर्सरी बर्गर गए हैं, कैसा टेस्ट है सर? अच्छा लगा, मैं फर्स्ट टाइम आया हूं यहां पे, इनके रिकमेंडेशन पे आया था अपने दोस्त के, अच्छा लगा, थोड़ा सा स्पाइसी है लेकिन मजेगा। जो स्पाइसी लवर्स हैं वो उनके लिए बेहतरीन चीज है, उनके लिए बेहतरीन है, मैं थोड़ा सा कम स्पाइसी प्रेफर करता हूं। तो आपने कौन सा बर्गर ट्राई किया है? मैंने इनका दाल का जो अंडे वाला है। अच्छा, अंडे वाला बर्गर ट्राई। चलिए, आपको इन्हीं की रिकमेंडेशन है कि यार बिल्कुल ट्राई करें यहाँ पे आप। हाँ, जिनको थोड़ा स्पाइसी पसंद है, चटनी वाला प्रेफर करते हैं ज्यादा, वो जरूर आएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर, खैरियत से? क्या नाम है आपका? सर मोहम्मद गुलजार। गुलजार भाई, कितने अर्से से काम कर रहे हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह हो गए सर 20-22 साल हो गए। 20-22 साल हो गए यहीं पे काम कर कंटिन्यू। तो यहाँ की क्या मशहूर है? सर ये बनपा मशहूर है, भीड़ चपली और एक दारांडा होता है सामने। अच्छा, यहाँ पे माशाल्लाह से आप 22 साल से काम कर रहे हैं, लोगों का रिस्पांस कहता है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, रश लगा रहता है सर। वो क्या टाइमिंग होती है हम लोग? सर सुबह 11 से रात 12 तक। चलिए, अभी हम ट्राई भी करते हैं। बहुत शुक्रिया। ठीक है भाई, यहाँ पे हमारा जो मनफरी बर्गर है चपली और ये दाल वाला बर्गर, दोनों आ चुके, भी ट्राई करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी हम बर्गर आ चुके हैं हमारे पास, अभी आप देखें हम ट्राई करते हैं इसको, यहाँ का मशहूर बर्गर है। पहले हम सिंपल बर्गर ट्राई करते हैं, यहाँ का जो दाल वाला बर्गर है वो ट्राई करते हैं। जबरदस्त सी पैटी है भाई इसकी, और इनकी चटनी बड़ी मुनफरिद है। टेस्ट भाई बहुत जबरदस्त है। अब इनका आ गया भाई बीफ चपली, इतना देखिए भाई बड़ा मुनफरिद बर्गर है ये भी। बीफ का तो एक्सीलेंट टेस्ट है और पैटी बहुत टेंडर है माशाल्लाह से, और बहुत ही मजा आ रहा है। हमारे फैंस के लिए बिल्कुल रिकमेंड है, जो नर्सरी करीब रहते हैं या तारिक रोड पीसी जिसमें रहते हैं, उनके लिए तो बहुत जबरदस्त चीज है, बिल्कुल मस्ट ट्राई है। आप लोग यहाँ आए और इस चीज से एंजॉय करें। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देगा, हमारे चैनल आगे सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। इस ब्लॉग से मुझे अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है सर, अल्लाह।